वेलकम टू हमारे चैनल ला जवाब। जैसा कि आप सभी ही जानते हैं कि राखी सावंत और आदिल खान के बीच में इख्तिलाफात इतने बढ़ चुके हैं कि अब तक भी आदिल खान को बेल नहीं मिली। और आदिल खान की मदर की बात की जाए तो आज आदिल खान की मदर नजर आई जेल के बाहर आदिल खान के लिए इफ्तारी लेकर। आदिल खान की मदर का कहना है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बाकी कैदियों की तरह फीकी दाल और रोटी पर सहरी और इफ्तारी करे, तो इसलिए मैं अपने बेटे के लिए अपने हाथों इफ्तारी बनाकर आई हूँ। अपनी मदर को इफ्तारी लाता हुआ देखकर आदिल खान रो पड़े। आदिल खान ने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि माँ, मुझे जेल में सूखी रोटी और फीकी दाल दी जाती है इफ्तारी के लिए। आदिल खान की मदर जेल के बाहर मीडिया से बातें करते हुए रो पड़ी। आदिल खान की मदर का कहना है कि मैं राखी सावंत को कभी माफ नहीं करूंगी। आज आदिल खान जिस हाल में है ये सिर्फ राखी सावंत की वजह से। आदिल खान की मदर का ये भी कहना है कि राखी सावंत ने तो बहुत बड़े दावे किए थे आदिल खान के साथ जिंदगी गुजारने के, लेकिन राखी सावंत ने ही आदिल खान को डिवोर्स दे दी और आदिल खान ने राखी सावंत को डिवोर्स देने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तो आदिल खान की मदर का रोजे की हालत में आदिल खान के लिए जेल में इफ्तारी लाना कैसा लगा, आपको इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि रमजान के इस मुबारक महीने में आदिल खान को बेल मिलनी चाहिए या नहीं? इस बारे में मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।